आइसक्रीम जो बनाने में बहुत आसान बहुत ईजी होता है। तो आप भी एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से बनता है। हेलो एवरीबॉडी, तो आज हम घर पर मैंगो आइसक्रीम बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने ये 500 मिली दूध लिया है, ये 3 पेड़े लिए हैं, और ये मलाई ली है, शुगर लिया है, और ये आम लिया है। हमें आम लेते वक्त खास ध्यान रखना है कि हमारा आम बिल्कुल भी मीठा होना चाहिए। जब भी आप आम को यूज़ कीजिए तब आप चख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके आइसक्रीम बहुत जितनी अच्छी बननी चाहिए इतनी अच्छी नहीं बनेगी। और ये मैंने थोड़े से काजू लिए हैं, और हम मलाई अपने टेस्ट के अनुसार इसमें ऐड कर देंगे। तो आम का आइसक्रीम बनाना घर पर बहुत आसान है, बहुत इजी है, तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले हमने गैस ऑन कर लिया है, और दूध पर हम एक उभार आने देंगे। देखो उभार आ चुका है, अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। फिर हम इसी तरीके से इसे 5 मिनट तक पकने देंगे, तो हमारा दूध गाढ़ा हो जाएगा। इससे क्या है कि हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती है। तो 5 मिनट तक हमें यही लगातार इसे मिक्स करना है। पेंडे को दरदरा पीस देंगे। तो अब हमने पेंडे को दरदरा पीस लिया है, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हो कि हमारा दूध गाढ़ा बन चुका है बिल्कुल भी। अब हम इसमें हमने जो पेंडी को क्रश किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम इसे इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हमें 2 मिनट तक ही इसे पकने देना है। हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इसी तरीके से उसी बाउल में हम आम का भी टेस्ट बना लेंगे। इसी तरीके से हमने आम का भी पेस्ट बना लिया है। हम इसे आधे घंटे तक, यानी कि बिल्कुल भी हम इसे ठंडा होने देंगे। हमारा दूध बिल्कुल भी ठंडा हो चुका है, और देखिए गाढ़ा भी हो चुका है। इसमें अब हम आम का पेस्ट ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें ताजी मलाई जो हम दूध के ऊपर से निकालते हैं इसे अगर आप चाहे तो ही मलाई ऐड कर सकते हो। अगर आपको मलाई पसंद नहीं है तो आप मलाई ऐड करने से बाजार जैसा बन जाता है, इसलिए हम मलाई ऐड कर रहे हैं। अगर आप पसंद नहीं करते हो तो आप नहीं। मिक्सर की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरीके इस प्लेट में इसे निकाल देंगे।
कवर कर लेंगे। ये मैंने दूध की थैली ही ली थी, इससे हम पूरी तरीके से कवर कर लेंगे टच करके। फिर हम इसे फ्रीजर में रख देंगे 3 घंटे के लिए। आइसक्रीम चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से जम चुका है आइसक्रीम, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से जम चुका है। तो बहुत यम, बहुत ही यम्मी बना है। अगर आप इससे भी ज़्यादा यम तो फिर से भी आप मिक्स में इसे क्रश करके इसे जमा दीजिए, बहुत यम्मी बनेगा। बट हम तो ऐसे ही रखना चाहेंगे। तो ये हमारे बनकर बिल्कुल भी रेडी है। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी